एक बार एक संत काशी से गंगा जल लेकर कुछ यात्रियों के साथ रामेश्वर की तरफ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। काशी से गंगा जल लेकर रामेश्वर के भगवान को चढ़ाने अभिषेक करने के लिए घना जंगल, पथरीली पहाड़ी, लंबी यात्रा और कहीं कहीं गहरा सूखा मरुस्थल। और एक दिन ऐसे ही मरुस्थल में जब दोपहर सूरज तप रहा था, आसपास रेत ही रेत, कहीं पानी का नामो निशान नहीं, और वहाँ एक प्यासा गधा तड़प रहा है। गधे को बिल्कुल लोग तो गैर आध्यात्मिक प्राणी मानते हैं, गधे को कौन धार्मिक माने? उससे क्या पुण्य मिलने वाला है? आदमी को ही नहीं मानते लोग, तो गधे को कौन मानेगा? वह प्यासा तड़पता रहा। पानी सबके पास है, गंगा का जल सबके पास है, लेकिन वे जा रहे हैं रामेश्वर के पत्थर पर पानी चढ़ाने। वे सब मुंह फेर लेते हैं उस गधे को मरते हुए देखकर, लेकिन उनके साथ संत एकनाथ भी होते हैं। वे रुक जाते हैं और अपनी झारी से कमंडल भरकर पानी उस गधे को पिलाने लगते हैं। सारे लोग चिल्लाते हैं, ये क्या कर रहे हो, पाप हो जाएगा, जो पानी भगवान के लिए लाए हो वो गधे को पिला रहे हो। एकनाथ कहते हैं कि भगवान यह प्यासा तड़प रहा हो और उसे यही पानी न पिला दूं तो मेरा तीर्थ पूरा हो गया। मैं यही पानी पिला दूं तो मेरा तीर्थ यही पूरा हो गया, यही अभिषेक हो जाएगा, मैं वापस लौट सकता हूं। मेरी प्रार्थना तो सुन ली गई, वो रामेश्वर जो रामेश्वर में बैठा है उसने, और वहीं वो यहीं आ गया। तब उनके साथ वाले लोग कहने लगे कि पागल तो नहीं हो गए हो, एक गधे को भगवान कह रहे हो। वे एकनाथ को भी भ्रष्ट और पगला हुआ समझकर अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। यहाँ एक आदमी भागा भागा जा रहा है, हाथ में थाली लिए भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के लिए, बड़ी प्यास से भगवान को भोग लगाने की, और बगल में एक जीवित भगवान भूखा मर रहा है। वह उसकी तरफ देखता भी नहीं, वह भागा चला जा रहा है मंदिर की ओर, क्योंकि वह भगवान को प्रेम करता है। ये आदमी था या नाशवान? क्योंकि ये आदमी नाशवान है, ये तो मर ही जाएगा। वह तो पत्थर की मूर्ति को प्रेम करता है जो कभी नहीं मरती, उसको भोग लगाने जा रहा है। अगर दुनिया कभी समझदार होगी तो इन सब की गिनती पागलों में नहीं गिनी जाएगी, तो और किन में होगी कि जो पत्थर की मूर्ति को भोजन दिए जा रहे हैं और जिंदा आदमी मर रहा है। ये कैसी विडंबना और किस प्रकार के धर्म है ये, धार्मिकता है? ऐसे धर्म को थोड़ा विचार करने की, थोड़ा समझने की जरूरत है। आप भी थोड़ा समझे, जीवित भगवान आपके आसपास घूमते हैं और हम पत्थरों पर पानी चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। जय सनातन।